एमपी उमर तकदीर भट्ट साहब हैं, मिनिस्टर मलिक तैमूर साहब हैं और मैं हूँ, और आज पिंडी की मीटिंग है, फैसला होना है कि अच्छा सर कुछ ये लोग कह रहे हैं कि पहले पंजाब असेंबली को तहलील किया जाए उसके बाद केपी के को, यानी कि मरहला वाद तब्दील किया जाए, इसमें कितने सदा कर। लेकिन ये फिर फैसला लीडरशिप ने करना है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जब इमरान खान साहब हुक्म दें तो असेंबली तहलील हो और पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, ये हमारी ख्वाहिश है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान चल नहीं पा रहा, ये चला नहीं पा रहा। अच्छा एक मिनट डिप्टी स्पीकर साहब, आप मुझे काइंडली ये बताइएगा कि पहले हमने ये देखा कि डिप्टी स्पीकर उस वक्त के जो हैं वो हाथ कर गए, आप जो हैं वो कितना देखते हैं कि जब इमरान खान की कॉल आएगी तो क्या आपका रद्देमल हो गया? फुल फ्लेज तैयार है, उन्होंने जो किया उन्होंने भुगता और सारे आलम ने देखा। हम तो लॉयल हैं अपने लीडर के साथ, अपनी जमात के साथ और कॉज के साथ जो पाकिस्तान के लिए है। हमारे से आप ये तवक्को रखें कि उनकी आवाज आनी और घंटे के बाद यहाँ पर इमरान खान का फैसला या परवेज इलाही का फैसला? खान का फैसला होगा जो सब मानेंगे, परवेज इलाही साहब भी और हम।